हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, हमारे पास ये कपड़ा है और ये जो कपड़ा है ये हमने मैक्सी से निकाला है। मैक्सी जो थी वो हमारी लंबाई में बड़ी थी तो मैंने उन्हें ही छोटी किया था, तो ये जो कपड़ा निकला है ये उसी का है। आप चाहें तो इस तरह की लंबी लंबी कतरन की पट्टियाँ लेके भी ये बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 इंच। ये देखिए, तो 6 इंच चौड़ाई है, इतनी मैं पूरी चौड़ाई में ले लूँगी। और यहाँ से साइड से इनमें भी जॉइंट भी लगा हुआ है दोनों साइड में। ये देखिए, तो यहाँ पे दोनों साइड जब हम खोल देंगे तो ये जो पट्टियाँ हैं ये दो पट्टियाँ रेडी हो जाएंगी। इसी तरह से बाकी जो पीस हैं वो भी हमारे सेम ऐसे ही हैं, बीच में जॉइंट लगा हुआ है तो उनमें से भी हम जॉइंट खोल के इस तरह से पट्टियाँ निकाल लेंगे। और चौड़ाई पट्टियों की जो है वो 6 इंच ही है, सभी पट्टियों की सेम ही है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे ये पट्टियाँ निकाल के ले लिया है। अब यहाँ पे हम 3 पट्टियाँ लेंगे और इनको हमें इस तरह से रखना है। देखिए, इस तरह से रखते हुए ही यहाँ पे इन्हें सिल के रेडी कर लेंगे। तो देखिए, 2 पट्टियों को लेंगे, इनका जो राइट साइड है वो हमने अंदर की साइड में रखा है और इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। सेम ऐसे ही हमें एक और पट्टी को सिल के रेडी कर लेना है, इसको भी ऐसे ही रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने पट्टियाँ सिल के देखिए ले लिया है। अभी ये देखिए, कुछ इस तरह से सिल के रेडी हुई हैं। आप चाहें तो इसमें और पट्टियाँ जोड़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 पट्टियाँ ही जोड़ ली थी। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 15 इंच आई है और इसकी जो लंबाई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी जो लंबाई है वो है 32 इंच। अभी हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे एक बोरी ली है। ये देखिए, बोरी को हमें इसके अंदर रखना है और अंदर की साइड में अस्तर लगाते हुए इसे हमें सिल के रेडी करना है। तो देखिए, बीच में मैंने बोरी को डाल के लिया है और बैक साइड में मैंने अस्तर को लिया है। ऊपर मेन फैब्रिक को डाल के यहाँ पे पिन लगा लिए हैं। अब यहाँ पर हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे और बीच में ये जो जॉइंट था, जॉइंट के ऊपर भी मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है। बाकी मैंने कहीं पे इसमें सिलाई नहीं लगाई है। अब इसको सेंटर से ऐसे हम डबल फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे ये जो बंद वाले साइड हैं यहाँ पे एक निशान हम लगाएंगे 2.5 इंच पे। ऊपर की साइड में भी हमें 2.5 इंच पे ही निशान लगाना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 2.5 बाई 2.5 इंच का एक बॉक्स बनाना है और यहीं से इसे हमें कट कर देना है। ये देखिए, मैंने इसको कट कर दिया है। अब ये जो टुकड़ा है इसको हमें इस तरह से दूसरे साइड में रखते हुए इसी बराबर से हमें दूसरा साइड भी कट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो खुले वाले साइड हैं यहाँ पे हमें 2 बाई 2 इंच के बॉक्स कट करने हैं। तो यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस साइड से भी हम 2 इंच पे ही निशान लगा लेंगे और यहीं से इसको हमें कट कर लेना है। तो इसी पीस को रखते हुए हमें इसका भी दूसरा साइड कट करके रेडी कर लेना है। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से इसको मैंने कट करके रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमने ये कट लगाए थे इसी बराबर से एक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें हैंडल अटैच करने हैं तो उसके लिए हम निशान लगाएंगे। तो इसको हमें ऐसे सेंटर से फोल्ड करते हुए रख लेना है और जो इसका सेंटर है इसके सेंटर में एक लाइन ड्रा कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद एक साइड में हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। ये मैंने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया। अभी इसको ऐसे खोलते हुए रखेंगे
और दूसरा जो साइड है इस साइड में भी हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो मैंने ऊपर से सीधी लाइन बनाई थी वहाँ से हमें उसके नीचे से एक निशान लगाना है 1.5 इंच पे, और दूसरे साइड में भी 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो देखिए ये जो मैंने बॉक्स बना लिया है यहाँ पे हमें इसके हैंडल अटैच करने हैं। तो बाकी जो कपड़ा बचा हुआ था उसी की एक पट्टी से मैंने यहाँ पे हैंडल बना के ले लिए हैं, और हैंडल की जो लंबाई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो मैंने लंबाई रखी है वो रखी है 22 इंच। ये देखिए दोनों मैंने हैंडल बराबर के ही लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैंने निशान लगाए थे इसके ऊपर ही हमें इस तरह से रखना है, और थोड़ा सा मैंने अंदर को फोल्ड करते हुए रखा है, और यहाँ पे इसमें हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से मैंने हैंडल को जोड़ के रेडी किया है। सेम ऐसे ही हमें दूसरे साइड में भी हैंडल जोड़ लेना है। तो दोनों साइड में मैंने हैंडल जोड़ लिए हैं। अब यहाँ पे हमें जिप लगानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये जिपर ले लिया है, इसको इसके ऊपर ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे, और यहाँ पे हमें एकदम सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसको हम इस तरह से पलटेंगे और इसके ऊपर हमें प्रेस स्टिच लगा लेनी है। अब एक जिपर को हम यहाँ से निकाल लेंगे और इसको हम दूसरे साइड में सिल के रेडी कर लेंगे। तो जैसे मैंने एक साइड में जिपर को अटैच किया सेम ऐसे ही सिलाई लगा के प्रेस स्टिच लगा के इसको भी रेडी कर लेंगे। तो दोनों साइड मैंने जिपर अटैच कर लिए हैं। अभी इसको इस तरह से रखेंगे और इसमें हम जो हमारा रनर होता है उसको भी इंसर्ट कर लेंगे। तो एक बार रनर को डालते हुए इसे हमें पूरा बंद कर लेना है, इसके बाद हम फिर से रनर को डाल लेंगे। अभी इसको हम उल्टी साइड में पलट लेंगे। ये देखिए मैंने पलट लिया है। अब यहाँ पे देखिए इसके जो ये साइड हैं इनको अच्छे से ऐसे मिलाते हुए एकदम सीधी सिलाई लगा लेनी है। दूसरा वाला जो साइड है दूसरे वाले साइड को भी सेम ऐसे ही सिल के रेडी करना है। ये मैंने यहाँ पे दोनों साइड में सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे एक देखिए ये मैंने पट्टी लिया है, इसको भी इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेंगे, और इससे यहाँ पे हम पाइपिंग बनाते हुए इसकी जो ये सिलाई है इसको दबाते हुए इसमें अच्छी सी फिनिशिंग बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने पाइपिंग बना लिया है। सेम ऐसे ही दूसरे साइड को भी सिल लेना है। तो दोनों साइड में मैंने सिल के रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे ये जो बॉक्स हैं इनको हमें इस तरह से खोलते हुए रखना है। देखिए इस तरह से खोलना है और यहाँ पे हमें इस तरह से ही मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो एक बॉक्स को मैंने सिल लिया है। सेम ऐसे ही जो दूसरा वाला बॉक्स है इसको भी सिल के रेडी कर लेंगे। ये देखिए ऊपर वाले जो दोनों बॉक्स हैं उनको भी सेम ऐसे ही सिल के रेडी करना है, और इसके बाद हमें इसमें भी पाइपिंग लगा के इसमें फिनिशिंग कर लेनी है। तो देखिए चारों साइड मैंने सिल के रेडी कर लिए हैं। अभी इसका लुक जो है कुछ इस तरह से आ रहा है। अब इसको हम सीधा करके दिखाते हैं। तो देखिए हमारा जो बैग है कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ है। ये देखिए इसमें मैंने अंदर भी कोई पॉकेट नहीं लगाई है और ऊपर के साइड में भी कोई पॉकेट नहीं लगाई है। इसमें आप अपना लंच बॉक्स या फिर वाटर बॉटल रख के कहीं भी ले जा सकते हैं, या फिर आप अपनी पसंद से कोई भी सामान रख सकते हैं। ये देखिए अगर जो आपको इसे और चौड़ाई में बनाना है तो आप इसकी थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ा के इसको और चौड़ाई में भी बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा, कमेंट में भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।